हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीआई कंप्यूटर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में झंडा बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार से झंडा को बनाया जाता है। तो आप लोग को झंडा बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा किसमें, इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। ऐसे ड्रॉ करने के बाद बाहर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको इंसर्ट टैब में आना है, फिर यहाँ पर शेप में आना है। शेप में आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टार एंड बैनर, तो आपको इस वाले पर, वेव वाले पर, शेप पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कर्सर को रखना है और इस प्रकार से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है और फिर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करना है। तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड में एक एरो बटन दिया रहता है जो लेफ्ट राइट अप डाउन होता है, उससे हम एरो की मदद से नीचे लाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एरो से नीचे लाना है, ठीक। उसके बाद इसको एडजस्ट करना है अच्छी प्रकार से। एडजस्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ भी प्रेस करना है यानी कि पेस्ट करना है। पहले एक बार जो कॉपी हो जाता है आप उसे जितना ज़्यादा पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसे हम एरो की मदद से, डाउन एरो की मदद से हम यहाँ से नीचे ला रहे हैं। उसके बाद इसको एडजस्ट इस प्रकार से कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से बाहर क्लिक कर देना है, इसको अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद से बाहर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट टैब में, फिर यहाँ पर शेप में आएंगे। शेप में आने के बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है शेप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर हमें इस शेप को लगाना है। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल से और इस माउस स्क्रोल बटन से इसको जूम इन करना है। उसके बाद से क्या करना है, इसी पर एडजस्ट कर देना है। इस प्रकार से ड्रॉ करके इस पर एडजस्ट कर देना है। थोड़ा इसे एरो की मदद से, डाउन एरो की मदद से नीचे कर दे रहे हैं, इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद से कंट्रोल और स्क्रॉल बटन को घुमाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद आपको शेप में आना है। शेप में आने के बाद आपको ये बेसिक शेप्स में आपको ये वाला जो शेप दिखाई दे रहा है कैन के नाम से है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नीचे की तरफ इस प्रकार से ड्रॉ करना है। इस प्रकार से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको इसे भी उसी एरो से, इसको डाउन अप लेफ्ट राइट से आप एरो की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है, फिर बाहर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद इसे सेंड टू बैक कर देंगे तो और अच्छा दिखाई देगा। तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंड टू बैक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से इसे कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी से कॉपी और वी से पेस्ट। फिर इसे थोड़ा आप लोग बड़ा कर लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग को बड़ा करना है। उसके बाद से फिर इसे एडजस्ट करेंगे। इतना करने के बाद फिर एरो की मदद से इसे ले जाएंगे, फिर इसे डाउन एरो करेंगे, फिर इसे एडजस्ट करेंगे। फिर इसे भी क्या करना है, सेंड टू बैक करेंगे। इसे भी क्या करेंगे, सेंड टू बैक। तो फिर यहाँ पर फॉर्मेट में जब तक ये सिलेक्ट नहीं रहेगा तब तक आपका सेंड टू बैक यहाँ पर एक्टिव नहीं होगा, ठीक। उसके बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपका सिलेक्ट जैसे ही करेंगे आपका यहाँ पर एक्टिव हो गया है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे सेंड टू बैक तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर इसे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर से इसे सिलेक्ट करना है और कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट करेंगे और इसे हम बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसे आप एडजस्ट करना है और एरो की मदद से आप कर सकते हैं। और उसके बाद से क्या करना है, सेंड टू बैक कर देंगे इसे भी। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और इसे बड़ा करना चाहते हैं नीचे वाला, तो इस प्रकार से बड़ा कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से शेप वाला इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और शेप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको फ्री फॉर्म वाला लाइन लेना है, ठीक, कर्व लेना है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से इस प्रकार से जो रस्सी होता है ना, वही उसी रस्सी को इस प्रकार से लगा रहे हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार से बना लीजिएगा जैसे कि इसमें बना रहे हैं। उसके बाद से बाहर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपका
पूरी तरह से बना अभी नहीं है, इसमें एक चक्र लगाना है। तो सबसे पहले फिर से इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, उसके बाद से सेव पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे स्टार एंड बैनर में, यहाँ से 24 तिली वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अलग कहीं बना लेना है या तो इसमें आप बना सकते हैं। इसे हम थोड़ा जूम कर देंगे, इसे जूम करके बनाएंगे तो और अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इसे जूम करेंगे और इसे अच्छे से एडजस्ट आप लोग को करना है, इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक येलो कलर का दिखाई दे रहा है पॉइंट, इसको आपको खींच कर इस प्रकार से लाना है। लाने के बाद आपको बाहर क्लिक कर देना है, फिर इसमें क्या करना है, एक गोला लगाना है सर्कल। क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर ओवल को क्लिक करेंगे और उसके बाद से इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। देखिए इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद आपको इसे एडजस्ट करना है, इस प्रकार से आप लोगों को एडजस्ट करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आए, जैसे कि यहाँ पर क्लिक है हाइड है तो आपका फॉर्मेट नहीं दिखाई देगा जब तक ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसे सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। उसके बाद से सेप में आएंगे, सेप फिल में इसे कर देंगे नो फिल, तब ये हट जाएगा यहाँ से, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसे थोड़ा यहाँ से जहाँ बाहर दिखाई दे रहा है इसको इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जूम आउट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कलर फिल करना है तो सबसे पहले आप आना होगा, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो एक फॉर्मेट ऑप्शन टैब खुल जाता है, इसी से सब फॉर्मेटिंग की जाती है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव फिल पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी कलर को फिल करना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये वाला कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद से आपको वाइट सिलेक्ट करना है, यहाँ से कोई वाइट कलर को लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से फिर से ये वाला कलर को लेंगे। इतना हो जाने के बाद आपको इसको भी सिलेक्ट करना है और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको फिर से सेव में क्लिक करना होगा, सेव फिल में, और यहाँ से ये वाला कलर को लेंगे और क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आपको इसमें भी कलर फिल करना है लाइन वाला, तो लाइन पर आएंगे। ठीक, लाइन पर आने के बाद पहले इसे जूम कर लेंगे तो और अच्छे से दिखाई देगा। इसे जूम कर दे रहे हैं, फिर इसे बाहर की लाइन को भी क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है कि सेप फिल में आना है, जैसे फॉर्मेटिंग में आएंगे आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक कलर इस प्रकार से ले लेंगे, इस प्रकार से ले लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, जूम आउट कर देना है। जूम आउट करने के बाद आपको हम बता इसे हम फिल करना है कलर, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, फिर यहाँ से कलर में जाएंगे, फिर यहाँ से वही कलर जो लेना है ले लेंगे, फिर से फिल पर जाएंगे, फिर यहाँ पर फिल कर देंगे। इस प्रकार से फिल कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आपको इसे सबको ग्रुप में बनाना है, तो बाद आपको इसे एक साथ ग्रुप में करना है। तो सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना है और एक एक करके सबको ग्रुप करेंगे, इस प्रकार से सबको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद आपको ग्रुप करना है, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट में आना होगा। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर ग्रुप दिया है, यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं एक साथ ग्रुप हो गया है, इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इसे छोटा करना है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी करना है तो इस प्रकार से छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। इसे हम एरो की मदद से थोड़ा लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं और उसके बाद से कॉपी करके एक इधर भी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, भी से पेस्ट कर देंगे और इसे हम रोटेट कर दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको रोटेट कर देना है, इसे आपको इस प्रकार से रोटेट करना है और थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके छोटा भी कर देना है, इस प्रकार से छोटा भी कर देना है। करने के बाद आपका यहाँ से झंडा तैयार हो गया है। उसके बाद से इसका नाम लिखना है, क्या करते हैं सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से नाम को लिखने के लिए यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो वर्ड आर्ट पर आते हैं और यहाँ से कोई भी एक वर्ड स्टाइल ले लेते हैं, जैसे में कोई भी यहाँ से लेते हैं, जैसे में यही है, यहाँ से इसका नाम लिख दे रहे हैं। और यहाँ से ओके कर देंगे।
ओके करने के बाद आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे क्या करना है, सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, तभी ये ऊपर आएगा। उसके बाद से यहाँ से इस प्रकार से लाइन के और यहाँ से जो दिया है ये बिंदु, इसे थोड़ा खींच कर बड़ा कर लेंगे, यहाँ से इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे। ठीक फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलते रहेंगे।